स्टूडेंट, इस वक्त हम आपको ये बताएंगे कि आपने कैनवा की फाइल को कोरल ड्रा में कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि हर बंदा अब कैनवा को यूज़ कर रहा है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो अपनी मर्जी से जेपीजी या आपको पीएनजी देता है या और फॉर्मेट्स दे रहा है। लेकिन अगर हमें रिक्वायरमेंट्स हैं कोरल ड्रा की फाइल में कन्वर्ट करना, तो हम लोग इसी डिज़ाइन को उसमें लेके जा सकते हैं और वहाँ जाके एडिट भी कर सकते हैं इसको हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये डिज़ाइन हमारा एक फाइनल है, तो इसमें हम लोग देखिए कंटेंट, इसके बॉक्स, लोगो, शोगो सब हम इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, जस्ट आपने इस डिज़ाइन को करना है, फाइल में जाना है कैनवा के अंदर, और यहाँ से करना है डाउनलोड, और डाउनलोड पे जाके यहाँ से अपनी फाइल टाइप चूज़ करनी है। वो इसमें दो चीज़ें हैं, एक है पीडीएफ स्टैंडर्ड है, एक पीडीएफ प्रिंट है। आपने स्टैंडर्ड में नहीं जाना, आपने पीडीएफ प्रिंट में जाना है। नीचे आपके एसवीजी भी है, MP4 भी है, जिफ भी है, ऊपर पीएनजी है, जेपीजी, आपने रहना है पीडीएफ प्रिंट के अंदर। पीडीएफ प्रिंट में जब आपने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर लिया इसका फॉर्मेट, और जो कलर मोड है वो अगर आपका आरजीबी है तो आपने इसको CMYK करना है, क्योंकि CMYK इज़ रिकमेंडेड फॉर द प्रिंटिंग पर्पज़, और आरजीबी फॉर द मल्टी मीडिया एंड फॉर द वेब मीडिया। CMYK चूज़ कर लिया आपने, तो आपने जस्ट इसको यहाँ से डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लेना। तो अब ये देखो ऊपर आपके सामने ये डाउनलोड कर रहा है इसको एज़ पर योर इंटरनेट स्पीड। जब ये डाउनलोड हो जाएगा फिर हम कोरल ड्रा को ओपन करें, मैं कोई भी वर्जन कोरल ड्रा का उस वर्जन में ओपन करके इसको जस्ट हमने इंपोर्ट करना है उसके अंदर, और आपकी फाइल वो यूजेबल होगी। अब इसको तो अपन करके दिखाते हैं आपको, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई है। आपकी डाउनलोड कहाँ गई है जी, ये देखो ये पीडीएफ की डाउनलोड होकर आपके इंटरनेट जो डेस्कटॉप पे डाउनलोड का फोल्डर है उसमें चली जाएगी। ये फोल्डर में जाओ तो ये आपकी फाइल पड़ गई, दिस वन। अब कोरल ड्रा को खोलो अपने सिस्टम में, नई फाइल खोलो, फिर आपने जाना है फाइल के अंदर, फाइल में जाके इंपोर्ट, इंपोर्ट में आपके पास डाउनलोड के फोल्डर में ये फाइल पड़ी है पीडीएफ की, इसको आपने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करोगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपने कर्व्स में जाना है कि टेक्स्ट में जाना है। जब कर्व्स में करोगे तो एडिटेबल नहीं होगा, टेक्स्ट में करोगे तो वो आपका एडिटेबल होगा। ओके करो इसको, और अब आपको उसका फ़ॉन्ट जो है वो आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिलहाल इनको क्या करो, इनको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट के बाद आपने टेम्परेरी मेंटेन ओरिजिनल फ़ॉन्ट्स, टेम्परेरी उसको मेंटेन कर लेगा फ़ॉन्ट्स को, और उसको ओके करो। अब आपके पास माउस के साथ एक ये स्क्रीनशॉट आ रही होगा टेक्स्ट का, इसको आप ड्रा भी कर सकते हो, इसको क्लिक भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो बिल्कुल पेज के सेंटर में आए तो जस्ट आपने कीबोर्ड से एंटर करो तो बिल्कुल पेज के सेंटर में आएगा, जस्ट लाइक दिस। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपका आया है ये सारा ग्रुप है, आपने इसको ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से भी ग्रुप में अनग्रुप कर सकते हो, और आपके यहाँ ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ से भी कर सकते हो अनग्रुप ऑल। अब देखें जी, अब आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, इसको कुछ भी लिख सकते हो। इसको कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लो, जैसे भी यूज़ करना है उसको यूज़ करो। मीन आपका ये ऑब्जेक्ट, ये डिज़ाइन आपका कोरल ड्रा की में ओपन हो गया है। इसको आप अपनी मर्जी से आप सेव करो। जब सेव करोगे तो आपका फॉर्मेट अब CDR में सेव होगा, किसी भी वर्जन के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय दिस।